किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। जिन भाइयों ने पिछले वर्ष जुलाई से लेकर और सितंबर तक जो नींबू के पौधे लगाए हैं, उनकी देखभाल किस प्रकार करें और उनकी इस समय लगभग क्या स्थिति होगी, आज की वीडियो में इस विषय पर चर्चा होगी। किसान साथियों, ये मेरा पौधा देखिए, ये साई सरबती का पौधा है, CCRI नागपुर से लिया था और इसकी मैंने सितंबर माह में स्थापना की थी। जुलाई अगस्त में मैंने सब पौधे किसान भाइयों को दिए थे और जब बच गए जो सबसे कमज़ोर पौधे थे वो मैंने अपने यहाँ लगाए थे, जिसमें 5 वैरायटी हैं। इस लाइन में ये पहले 8 पौधे साई सरबती के हैं, फिर 8 पौधे इसमें फूले सरबती के हैं और फिर 7 पौधे इसमें बालाजी वैरायटी के हैं। आप ये देखिए कि इस समय ये तना कितना अच्छा हो गया है। इसको मैंने सीधा किया हुआ है और ये बांधी हुई है, इसमें जो सहारा दिया हुआ है। अब मैं कुछ ऐसे काम बताऊंगा जिन्हें आपको करना है। किसान साथियों, जो भी कोई, ये देखिए, हम अगर इसमें कहीं कोई छोटी मोटी सूखी शाखा हो तो उसको हटा दें, ये इस प्रकार से, ये देखिए छोटी सी मिली है मेरे। इन पौधों की विशेषता ये है कि इनमें जो रोग है, जो कैंकर रोग है, वो लगभग नहीं के बराबर है। किसी एक आधे पत्ते में मिलेगा, किसी शाखा पर नहीं मिलेगा। अब आप ये देखें कि यहाँ से लगभग 1 फीट के करीब मैंने ये साफ़ किया हुआ है, तो आप इसको ऊपर ले जाने के लिए अगर कोई नीचे की शाखा है, जैसे मैं इस शाखा को काट दूँगा, ये वाली शाखा काट दूँगा, ये देखिए, तो मैं पौधे को और थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहता हूँ। एक ये भी शाखा काट दूँगा मैं, ये शाखाएँ बहुत अभी ऊपर तक मत काटिए, चूँकि हमें पौधे को भोजन भी देना है और इसकी पत्तियाँ ये भोजन बनाने में पूरा सहायता करती हैं। ये देखिए, नींबू में कटिंग नहीं होती, लेकिन हमें नीचे की शाखाओं का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो नीचे कोई शाखा हो, कोई सूखी हुई शाखा हो, उसको हटा दीजिए। और इसके चारों तरफ, ये देखिए कि इसके चारों तरफ लगभग 2 फीट की दूरी तक मैंने सफाई की हुई है। और ये मेरी ड्रिप लाइन है, ये देखिए 2 ड्रिपर हैं इसमें पड़े हुए, ये 2 ड्रिपर हैं और इसे दूर रखता हूँ मैं। और अभी जो मैंने लास्ट में सफाई कराई है उस पर हल्की हल्की ये मिट्टी भी लगा दी है, ये देखिए इस तरह से, बहुत हल्की हल्की। अगली गुड़ाई में एक बार फिर हम हल्की मिट्टी लगा देंगे। और इसके साथ जो पहला काम किया है, ये देखिए इतनी दूरी पर गीला हुआ है, ये देखिए, ये थोड़ी सी दवाई भी पड़ी है, ये गीला हुआ है। इसमें मैंने लगभग 0.5 लीटर 2 दवाई मिलाकर दी हैं, 0.5 लीटर पानी में, एक बवस्टीन और एक क्लोरोपाइरिफास। क्लोरोपाइरिफास 50% वाली 1 ml प्रति लीटर मिलानी है और बवस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर मिलानी है। किसान साथियों, अगर ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ाएंगे तो अगर थोड़ी खुश्की आ गई तो कोई भी दीमक या वाइट ग्रब, दीमक तो नहीं आती, वाइट ग्रब वगैरह या कोई भी कीड़ा होगा वो पौधों की जड़ों को नुकसान नहीं देगा और बवस्टीन इसको जड़ गलन रोग से बचाएगी पौधे को। ये 2 मुख्य कार्य हुए। पहला कार्य, आप इनकी जो सूखी शाखाएं हैं उनको काट लीजिए, थोड़ा पौधे के ऊपर तक ले जाइए और सफाई करिए। सफाई करने के बाद इसमें क्लोरोपाइरिफास और बवस्टीन की ड्रिंचिंग कर दीजिए। किसान साथियों, कुछ पौधों में आप देखिए, इसमें ये थोड़ा जो नए पत्ते निकलते हैं, लीफ माइनर की शिकायत आ जाती है, तो मैंने इसमें इमिडा का स्प्रे कराया था लगभग 10 दिन पहले और कुछ पत्तों में अभी कुछ और रह गया है, तो मैं इसमें आज ये लेंसर गोल्ड का स्प्रे करूँगा। मैं दिखाऊंगा, कुछ पत्ते मेरे और भी वैसे हो गए, तो ये लेंसर गोल्ड का स्प्रे कराऊंगा मैं इसमें और फिर पौधे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आइए एक पौधा ऐसा देखते हैं जिसमें हमें थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी।
किसान साथियों, ये देखिए इसमें ये लीप माइनर बहुत आते हैं, जो नए पत्ते होते हैं, तो ये अब रुक गया है और आज मैं लेंसर गोल्ड करूँगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए अब इसके नीचे देखिए, ये देखिए इसमें एक नीचे शाखा है, ये हमने निकल गई थी, ये हम हटा देंगे, ये हमने हटा दी। इसमें बहुत नीचे तक हैं तो कुछ शाखाएं हम हटा देंगे, ये देखिए इस प्रकार हम इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाएंगे। ये देखिए ये जो घोंगा था, ये घोंगा ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला ये घोंगा दिख रहा होगा, ये सब इस तरह के जंतु, ये हमारी क्लोरोपाइरीफास इससे ख़त्म हो गए। तो ये हम थोड़ा सा इसको हटा देंगे, थोड़ा ऊंचा ले जाएंगे। किसान साथियों, ये देखिए ये इसमें सूट है, ये बड़े ध्यान से देखिए, इसको नीचे से देखिए, यहाँ से ये देखिए, नीचे से यहाँ से ये बिल्कुल सीधी है और ग्रीन होगी ये पूरे पत्ते के साथ में। तो ये ध्यान रखना है कि इस सूट को हटा दीजिए आप। पौधा बड़ा दिख रहा है इससे, लेकिन इसकी पहचान देखिए, ये बिल्कुल सीधी चलती है और इसके कांटे जो है ना, वो दूसरे शाखाओं की अपेक्षा बहुत गहरे होते हैं। एक और मैं दिखाता हूँ, ये वाली है, ये सूट नहीं है, ये देखिए तिरछी हो गई पहले से ही, ये सूट नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि ये तिरछी हो जाती हैं और ये सीधी चलती हैं। तो जो सूट हैं वो भी हटाइए। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, पौधे के आसपास सफाई कीजिए, थोड़ी सी मिट्टी लगाइए, उसको तने पर रस्सी का सहारा दीजिए ताकि पौधा सीधा रहे, ये हो गए तीन काम। उसके बाद जो सूखी शाखाएं हैं और जो आपको लगभग एक फीट तक सफाई करिए, उसके बाद आप इसमें क्लोरोपाइरीफास और बवस्टीन की ड्रिंचिंग करिए और उसके बाद आपको कोई भी शिकायत पौधे में नहीं मिलेगी। इसी प्रकार ये एक पौधा और दिखाता हूँ, आप देखिए कितने अच्छे पौधे हो गए हैं। इसमें देखिए ये किसी किसी पेड़ में हो जाता है, यहाँ पर ये देखिए इसमें सब नए पत्ते हैं, इसमें कोई भी रोग नहीं है, पर किसी किसी पेड़ में है। इसलिए सावधानी के लिए आप इसकी थोड़ी सी स्प्रे कर दीजिए। ये देखिए ये मैं हटा रहा हूँ, ये हटा दीजिए आप इनको, थोड़ा सा कष्ट होता है, पर जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को छेद छेद कर एक घड़ा बनाता है, उसी प्रकार जो बागवानी करने वाले किसान हैं वो अपने पौधों को काट काट कर एक अच्छा रूप देते हैं और अच्छी कैनोपी बनाते हैं। ये देखिए अब देखिए कितना सुंदर पौधा लग रहा है। ये जो नीचे जा रही है इसको और हम हटा देंगे, ये देखिए अब हमारा पौधा ये और अच्छा लगने लगा। किसान साथियों, इस समय जून माह में मैं सारांश में फिर बता देता हूँ, पौधों की सफाई करिए, जो सूखी टहनी है उनको काटिए और हल्की हल्की उस पर मिट्टी लगा दीजिए गुड़ाई करने के बाद में, और कटाई करने के बाद एक स्प्रे करिए जो आपका COC 3 ग्राम प्रति लीटर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 10 लीटर, इसका स्प्रे कर दीजिए तो जो कहीं घाव है वो भर जाएगा, और हल्की सी पौधे में ड्रिंचिंग भी कर दीजिए। उसके 2 दिन बाद आप इसमें क्लोरोपाइरीफास 1 ml प्रति लीटर और बवस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर की ड्रिंचिंग कर दीजिए। और तीसरी चीज़, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और तीसरी चीज़ इसमें ये करनी है कि अब पत्तियों को देखिए, अगर पत्तियों में कोई लीफ माइनर वगैरह की शिकायत है तो उसका इमीडा क्लोरोपिड या लेंसर गोल्ड का स्प्रे करिए। आशा है आप अपने पौधों को ठीक रखेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ मैं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी अपने कैमरामैन जॉन कुमार के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।